सरकार के द्वारा कई योजनाएं तो बनाई गई, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या सही मायने में ये योजनाएं गरीबों तक पहुंच पाती। इन्हीं हालातों को देखते हुए राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले के त्रिवेणीगंज इलाके के मनोधरपुर गांव में शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग महिला राम प्यारी के पास रहने के लिए छत तक नहीं है। बुजुर्ग महिला शौचालय में रहने को मजबूर। पिछली सरकार बीत जाने के बाद भी मौजूदा सरकार में योजनाओं का कोई लाभ उन्हें नहीं मिल सका, जिसके चलते ये वृद्ध महिला आखिरकार शौचालय को ही अपना आशियाना बनाकर उसमें रहने को मजबूर। का बच्चा थे और हम यहाँ घर पर पड़ी। अच्छा, तो यहाँ इस लैटिंग शौचालय जो बना है, हाँ, तो ये मतलब बारिश वारिश में पानी नहीं आता इसमें? चूहा खसा है वो ऊपर की चूहा है। तो सामान आपका जो ये मतलब रखी है तो खराब नहीं होता है? साहब वो है खाना पीना वाले, देखो ये मत आटा धरे ना, देखो वो मत चाउर धरे ना, ये डिब्बा डिब्बा धरे ना है, और वो देखो हुआ सब थोड़े धान है तो वो देखो बौछारन थे सब भी। हाँ, हम वही छप्पर के तरे वैसे पहुड़ी थे। तो सामान कहाँ रखती हैं? सामान ये देखो यही सीधा पिसान धरे हैं, वो देखो वो इसी सब बद 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 चुआ। तो इसी शौचालय में मतलब पूरा घर बना रखी है? हाँ साहेब, धरन तो है। तो और कहीं स्थान नहीं है? क्या नाम है? राम प्यारी। ये कौन से गांव गांव है? ये मनोधरपुर। तो यहाँ जो प्रधान है उनसे नहीं मिली है? मिले न है। तो वो क्या कहे हैं? वो कहें कि तो अब कौनो सोचना नहीं का अब वो देखो कि ब्लॉक त्रिवेणीगंज के ग्राम मनोधरपुर में एक मामला सामने आया, जो कि ये जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन गोरखपुर के जो चौकी इंचार्ज विवेक शुक्ला जी जो है हमें सुबह कॉल करके बताया कि देखिए ये ट्विटर पे एक मैसेज आया है, क्या ये मामला सही है, अगर ये सही है तो आप इस महिला के लिए जो है व्यवस्था करिए, इसकी मदद करिए, क्योंकि उसके पास छत नहीं है और उसे छत देने के लिए आप कोई भी प्रयास करें, जिससे भी मिलना चाहें आप मिलें या स्वयं कुछ करें, और बोले हैं कि हम भी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि एक महिला जो है बूढ़ी औरत, उसके बच्चे बाहर मजदूरी करते हैं और वो लैट्रीन में अपने खाद्य सामग्री रख रही, बताइए इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। और इस चलते हुए इस समय में जो कि कहा जा रहा है कि हाँ ये जो समय चल रहा है इसमें कोई भी मतलब भूखे से नहीं मर सकता है या उसको छत नहीं मिल सकती है, प्रधानमंत्री आवास भी उपलब्ध हो रहे हैं लेकिन उस महिला के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, ग्राम प्रधान से गुजारिश है कि उस ये मामला संज्ञान में लिया जाए और उसे छत जो है दिया जाए। हमसे जो हो सकेगा, मैं एसपी चौहान सालिग्राम इंस्टीट्यूट का संचालक हूँ, हैदरगढ़ में हमारी संस्था डिफेंस की है, ठीक है, तो हमसे भी जो हो सकेगा मैं भी करने के लिए जो है प्रयासरत हूँ। बाराबंकी से केकेडी न्यूज संवाददाता विजय कुमार पाठक की रिपोर्ट।